हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन। सो बेटा आपका फर्स्ट कर लग गया एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है बेटा। बेटा फर्स्ट एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, लेट ए इक्वल टू ए आई जे, आई जे ऑर्डर एम बाय एन, बी इक्वल टू बी आई जे ऑर्डर एम बाय एन, देन एडिशन। बेटा एडिशन पॉसिबल ओनली, एडिशन इज पॉसिबल ओनली इफ order of matrices same, जिन्हें order की है बेटा same है, तो आप पहले देखिए कर सकते हैं बेटा addition possible है, okay? Addition a plus b equal to a i j m by n plus b i j m by n, so a i j plus b i j m by n। क्लियर है बेटा पॉइंट? एक ही होगी बेटा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। फॉर एग्जांपल बेटा ए इज इक्वल टू, बेटा इसका मीनिंग क्या हो गया, ए वन वन दे विच की ऐड होएगा बी वन वन, ए वन टू प्लस बी वन टू, ए वन थ्री प्लस बी वन थ्री, ए टू वन प्लस बी टू वन, ओके टू वन फोर फाइव वन सिक्स, ओके प्लस बी, सॉरी बी b is equal to 3 0 1 5 2 1, okay beta, so is the order kitna beta 3 by 2, is the order bhi kitna 3 by 2, so addition a plus b, a plus b equal to 2 1 4 5 1 6 plus 3 0 1 5 2 1, okay, देन एडिशन कितनी होगी बेटा ए वन वन प्लस बी वन वन, टू प्लस थ्री बेटा फाइव, वन प्लस जीरो वन, ओके ए वन टू बी वन, ए वन टू प्लस बी वन टू, देन फोर प्लस वन फाइव प्लस फाइव, वन प्लस टू सिक्स प्लस वन, सो बेटा एक हो गया एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। देन स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ए आई जे, ओके देन के इज एनी रियल नंबर, के इज एनी रियल नंबर, इसमें इसका स्केलर मल्टीप्लीकेशन, के स्केलर में मैं मल्टीप्लाई करता हूं, देन दिस वन इक्वल टू के आई जे, we multiply each element of matrix with k, okay, a m by n, then this one is also m by n, usko kiya aa gaya, for example a 1 2 0 2 1 4, okay, we multiply by 4a, each element multiply by 4, 4 8 0 8 4 16, okay बेटा। नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, ए लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ए आई जे एम बाय एन, देन माइनस ए, माइनस की होगी बेटा इधर, मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बाय माइनस वन, ओके देन इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, डिफरेंस of two matrices, okay beta, first scalar multiplication di apa te addition di koi example le lena beta, let a te b matrix given hai beta apan, we find 2a plus 3b, then 2a means
मल्टीप्लाई बाय टू ईच एलिमेंट, 4 2 8 10 2 12 प्लस 3 ना मल्टीप्लाई, 9 0 3 15 6 3 ओके बेटा। देन एडिशन, 4 प्लस 9 13, 2 प्लस 0 8 प्लस 3 10 प्लस 25, 2 प्लस 6 12 प्लस 3 ओके। सो स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी होगी बेटा, एडिशन भी। डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस इफ ए ए आई जे एम बाय एन, बी बी आई जे एम बाय एन, सो ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, बी राइट ए प्लस माइनस बी, सो की वैल्यू आ गई बेटा ए आई जे माइनस बी आई जे, ए भी किन्ने बाय किन्ने का बन गया बेटा एम बाय एन। सो मल्टीप्लीकेशन बेटा, वहां पर शुरू कर लगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ओके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। सो बेटा देखिए इसके बीच मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स of order m by n, ठीक है, b भी any matrix of order n by p, okay, first matrix का order कितना है बेटा m by n, second matrix का order कितना है n by p, then product is possible only, बेटा बड़े ध्यान ना करना है, possible only if ए दे नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है पुत्र, 9, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। बेटा प्रोडक्ट इज पॉसिबल ओनली इफ फर्स्ट मैट्रिक्स मींस ए, प्रोडक्ट पॉसिबल, ए भी प्रोडक्ट करनी है बेटा, प्रोडक्ट पॉसिबल ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मीन्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स मीन्स बी, इक्वल है, प्रोडक्ट इज पॉसिबल। आफ्टर प्रोडक्ट ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए बी इज द ऑर्डर की आएगा बेटा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, बेटा अपने चेक कर ले भी इक्वल है, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट दिया नंबर ऑफ रोज एंड सेकंड दिया नंबर ऑफ कॉलम्स, बेटा ये की होएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर, क्लियर है पुत्र, आफ्टर प्रोडक्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज M by P, first year rows, second year beta columns, multiplication देखो बेटा इस तरफ, A equal to 2 1 3 0 1 2, okay, B एक ही order बेटा था 2 by 3, okay, B 1 4 2 1 1 0 बेटा, ओके बेटा इसमें रख रहा है माइनस वन, एच माइनस टू, ओके दिस मल्टीप्लीकेशन बेटा, हम देखो बेटा इसका ऑर्डर कितना 3 by 2, फर्स्ट वी सी ए बी दी प्रोडक्ट पॉसिबल है बेटा, चेक करो पहले प्रोडक्ट कर सकते हैं बेटा, ए बी इसका ऑर्डर कितना बेटा 2 by 3, बी का ऑर्डर कितना 3 by 2, यस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड इक्वल, आफ्टर प्रोडक्ट कितने बाय कितने का बनेगा बेटा 2 by 2, ओके देखो बेटा 2 by 2 का बनना है, ए बी
आफ्टर प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट कराने बेटा कितने बाय कितना बनेगा 2 बाय 2 द पहला ए 2 1 3 0 1 माइनस 2 बी 1 4 2 माइनस 1 1 0 बेटा मैं कैसे आफ्टर प्रोडक्ट 2 बाय 2 द बनेगा फर्स्ट दी रो सेकंड दी कॉलम मींस 2 बाय 2 द मैट्रिक्स बेटा देखियो इस टाइप का बनना बेटा ए बी इधर देखियो बेटा ए बी फर्स्ट टू रोज टू कॉलम्स टू रोज टू कॉलम्स सो की आएगा बेटा उन्हें आर वन सी वन आर वन सी टू ओके आर टू सी वन आर टू सी टू देखो आर वन सी वन दिस वन आर वन सी टू दिस वन आर टू सी वन आर टू सी टू एक किन्ने में किन्ने का बनेगा बेटा टू बाय ओके बेटा फर्स्ट दी रोज सेकंड दी कॉलम्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम फर्स्ट रो में जिन्ने भी इस तरफ कॉलम है सेकंड दे विच सब ना मल्टीप्लाई कर देखो बेटा दिस दिस 2 इनटू 1 क्या ना बेटा 2 इनटू 1 2 चले प्लस बेटा 1 इनटू 2 2 प्लस 3 इनटू 1 3 दोबारा बेटा अगेन 2 इनटू 1 2 1 प्लस 1 इनटू 2 2 प्लस 3 इनटू 1 3 फिर फर्स्ट रो होगी बेटा फर्स्ट कॉलम फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इनटू 4 8 1 इनटू माइनस 1 माइनस 1 प्लस 3 इनटू 0 ओके बेटा फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो जा गया बेटा जो सेकंड रो होगी सेकंड रो स्टार्ट करना 0 इनटू 1 0 प्लस 1 इनटू 2 1 2 माइनस 2 इनटू 1 माइनस आ जाएगा बेटा माइनस है ना और माइनस 2 इनटू 1 ओके नेक्स्ट 0 इनटू 4 1 इनटू माइनस 1 माइनस 2 इनटू 0 सो किस दे इक्वल आ गया बेटा है 7 7 0 माइनस ओके बेटा एक ही आ गया बेटा आपके लवे ए बी मैट्रिक्स फिर चेक बी ए सो बी ए पहला देखो बड़ा प्रोडक्ट पॉसिबल है बी कितना बेटा 3 बाय 2 ए कितना है ऑर्डर 2 बाय 3 यस इनका दी प्रोडक्ट की है बेटा पॉसिबल है सो बी पहला फर्स्ट बी राइट 1 4 2 माइनस 1 1 0 ओके ए 2 1 3 0 1 माइनस 2 देन प्रोडक्ट करनी है बेटा हुन देखो बेटा ए है पलवे 2 बाय 3 सॉरी 3 बाय 2 2 बाय 3 प्रोडक्ट पॉसिबल आफ्टर प्रोडक्ट किन्ने बाय किन्ने बनेगा मैट्रिक्स बेटा 3 बाय 3 देखो बेटा 3 बाय 3 द मैट्रिक्स बी ए 3 रोज एंड 3 कॉलम्स आर 1 सी 1 आर 1 सी 2 आर 1 सी 3 आर 2 सी 1 आर 2 सी 2 आर 2 सी 3 R3C1, R3C2, R3C3. ओके पहला फर्स्ट R1C1. ओके 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0. नेक्स्ट R1C2. ओके बेटा ये हो गया R1C2. 1 इंटू 1, 4 इंटू 1. फिर R1C3 बेटा 3 माइनस 8 ओके बेटा फिर बेटा ये टर्म लगे 2 माइनस 1 4 0 ओके फिर बेटा आर टू सी टू 2 माइनस 1 ओके नेक्स्ट 6 प्लस 2 देखो बेटा माइनस माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 देन थर्ड रो बेटा 1 इंटू 2 0 1 प्लस 0 3 प्लस 0 सो की बन गया बेटा मैट्रिक्स
टू फाइव माइनस फाइव फोर वन एट टू वन थ्री बेटा एक तो किताब में बेटा जो ए बी है एंड बी ए मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल रीजन ए बी का ऑर्डर कितना बेटा टू बाय टू बी का ऑर्डर कितना थ्री बाय थ्री याद है इक्वल मैट्रिक्स की सी बेटा लास्ट में दसी इक्वल मैट्रिक्स की होंगे ऑर्डर सेम हो गए एंड कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल ए वन वन इक्वल टू बी वन वन बट ए बी नॉट इक्वल टू बी देन प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स बेटा नेक्स्ट आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फर्स्ट बेटा कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन बेटा की होंगी है ए बी इक्वल टू बी ए बट ए बी इक्वल टू बी ए इसमें की बोलते हैं बेटा कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन ठीक है अंडर मल्टीप्लीकेशन मीन्स ए इंटू बी इक्वल टू बी अंडर एडिशन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी अपा की कहने बेटा कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी नॉट होल्ड इन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बेटा मीनिंग ये नहीं भी ए बी ऑलवेज नॉट इक्वल टू बी ए बेटा सम एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं मैट्रिक्स डायग्राम मैट्रिक्स रख ले बेटा वन जीरो जीरो फोर बी रख ले बेटा टू जीरो जीरो थ्री की रख ले बेटा मैं डायग्राम मैट्रिक्स रख ले देन प्रोडक्ट करो बेटा ए बी वन जीरो जीरो फोर टू जीरो जीरो थ्री देन मल्टीप्लीकेशन दिस दिस टू ओके वैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सॉरी डायग्राम मल्टीप्लीकेशन इजी है बेटा ये करनी सिंपल की करना है बेटा सोने वैसे करके देख लो बेटा इन्ना एलीमेंट्स नु डायग्राम एलीमेंट नु इन्ना मल्टीप्लाई करो 1 into 2, 4 into 3. So, beta, is not there. 3 by 3 there, 4 by 4 there. Sirf diagonal elements no apach ki kar do multiply first no first no second no second. Then B, 2 0 0 3, 1 0 0 4. Then product again, 2 into 1, 3 into 4. Okay. ए बी इक्वल टू बी ए बट इन जनरल जो आप जो मैं लास्ट एग्जाम्पल लेते थे इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए सो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कहना है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी नॉट होल्ड नेक्स्ट बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एबीसी थ्री मैट्रिक्स दिते हुए हैं ए बी इंटू सी ए इंटू बी सी ऑलवेज इक्वल फॉर एग्जांपल ए बेटा वन टू जीरो वन ओके बी टू वन वन थ्री सी टू जीरो वन थ्री टू बेटा मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कोई एनी मैट्रिक्स चॉइस पे भी प्योर बेटा पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो देन अपा कहना बेटा ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते बेटा ए बी लेफ्ट हैंड साइड वन टू जीरो वन एंड टू वन वन थ्री ओके बेटा दिस दिस टू प्लस टू फोर 1 plus 6, 7, 0 plus 1, 1, 0 plus 3, okay, AB into C, beta AB into C, 4, 7, 1, 3, into C, 0, 1, 3, 2, okay, beta, 4 into 0, 7 into 3, 21, 4 plus 14
वन प्लस नाइन, सॉरी सॉरी सॉरी, जीरो प्लस नाइन, वन प्लस सिक्स, ओके, लेफ्ट हैंड साइड, देन राइट हैंड साइड, ए मतलब फर्स्ट बी सी री प्रोडक्ट, बी सी टू वन वन थ्री, जीरो वन थ्री टू, देन जीरो प्लस वन प्लस थ्री, ओके बेटा, टू प्लस टू, जीरो प्लस थ्री, थ्री इंटू थ्री नाइन, वन प्लस सिक्स, ए इंटू बी सी बेटा, ए वन टू जीरो वन, थ्री फोर नाइन सेवन बेटा, थ्री प्लस एटीन, फोर प्लस फोर्टीन, जीरो प्लस वन सेवन, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड। नेक्स्ट है बेटा अपनी एग्जिस्टेंस ऑफ अडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ अडेंटिटी, ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ अडेंटिटी के विच की पढ़ना बेटा, ए इंटू अडेंटिटी मैट्रिक्स, ए इज एनी मैट्रिक्स, ए इंटू आई मैट्रिक्स इक्वल टू आई, बट एक ध्यान रखना बेटा प्रोडक्ट इज पॉसिबल, सो ए आई इक्वल टू ए, देखिए बेटा अगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में दोबारा दस रहा बेटा, सुनो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, बेटा ए एनी मैट्रिक्स इनटू आई बेटा प्रोडक्ट पॉसिबल हो गए, देन दिस वन इक्वल टू ए, फॉर एग्जांपल ए टू वन टू थ्री फोर फाइव, देन आई बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितने बाय कितने दा आएगा, टू बाय टू, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केयर मैट्रिक्स, ओके, फर्स्ट वी कंसीडर थ्री बाय टू, वन टू, ओके, देन ये कितना हो गया थ्री बाय, वी टेक आई इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्रोडक्ट कदों पॉसिबल हो सकते बेटा इन्हों, प्रोडक्ट कदों पॉसिबल है बेटा इसकी, इफ थ्री बाय टू, दैन जो मैट्रिक्स होना चाहिए टू बाय टू, मैं और इक्वल टू आई ए पाया से बेटा, बेटा इससे पॉसिबल नहीं होनी मल्टीप्लीकेशन, इस करके मैं कोई होर एग्जाम्पल लेने पैने बेटा उस आई एक्वल टू की आ जाएगा ए, सो बेटा अपने देख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, थ्री बाय टू टू बाय टू बनिया, देखो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड, सो ए आई टू थ्री फोर फाइव वन टू, ओके, वन जीरो जीरो वन, देन दिस वन इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन करनी है बेटा टू, ओके, नेक्स्ट थ्री, फिर यह बेटा नेक्स्ट रो स्टार्ट होगी फोर फाइव वन टू, सो दिस वन इक्वल टू, क्लियर है पुत्र, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए स्केयर मैट्रिक्स, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए स्केयर मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी स्केयर मैट्रिक्स, we find a square, then we write a into a, find a cube, a square into a, for square matrix word kyun use kita beta, left a matrix itta beta apna 3 by 2 da, 3 by 2 da matrix hai beta, to main a square karu a into a, first da order 3 by 2, second da order, inna di product possible hai beta, no, so we write square matrix beta, a upon given hai 1 2 0 1, then we find a square ki aa gaya beta pehle a into a 1 2 0 1
वन टू जीरो वन मल्टीप्लाई बेटा वन प्लस जीरो टू प्लस टू जीरो एंड वन ओके बेटा एक ही आ गया मतलब नेक्स्ट पॉइंट ए क्यूब ए स्क्वायर इनटू ए ए स्क्वायर वन फोर जीरो वन इनटू ए वन टू जीरो वन सो मल्टीप्लिकेशन वन टू प्लस फोर सिक्स जीरो वन ओके बेटा सो ए होगी बेटा पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स नेक्स्ट बेटा मैट्रिक्स पॉलीनोमियल मैट्रिक्स पॉलीनोमियल बेटा मैट्रिक्स पॉलीनोमियल की है बेटा पॉलीनोमियल की सी बेटा एफ एक्स फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन देन एफ ए ए स्क्वायर प्लस फोर ए प्लस फाइव आई पावांगे बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स रीजन दिस वन मैट्रिक्स मैट्रिक्स दे विच मैट्रिक्स ही ऐड होएगा बेटा मैट्रिक्स दे विच फाइव देखो जी मैं लिखा है इस फाइव ऐड कर दो बेटा नो सो इसलिए की पाना बेटा सुनने उरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स किन्ने बाय किन्ने दा होएगा जिन्ने बाय जिन्ने दा बेटा अपन कीता होएगा ए ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए फॉर एग्जांपल अपा बेटा एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया ए इस नु की बोलदे बेटा अपा मैट्रिक्स पॉलीनोमियल फॉर एग्जांपल लेट ए गिवन है बेटा 1 2 0 1 ओके एफ एक्स गिवन है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव फाइंड एफ ए अपा एफ ए मैट्रिक्स कैलकुलेट करना देन एफ ए किदे इक्वल आ गया ए स्क्वायर प्लस फोर ए प्लस फाइव आई बेटा ए स्क्वायर अपने कैलकुलेट किया हुआ बेटा 1 4 0 1 ओके प्लस प्लस 4 ए 1 2 0 1 प्लस 5 आई बेटा एफ इन की लिखेंगे 5 आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 देन वैल्यू की होगी बेटा 1 4 0 1 4 8 0 4 5 0 0 5 ओके लास्ट बेटा 1 + 4 + 5 9 10 4 + 8 12 ठीक है 0 + 0 + 0 1 + 4 5 5 + 5 कितना हो गया बेटा 10 सो बेटा थैंक यू वेरी मच इज दी एग्जांपल्स मैं नेक्स्ट वीडियो दे विच कराऊंगा पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स दी And again, thank you.